नमस्कार, आप सुन रहे हैं नामची न्यूज। मैं हूं कृष्णा चतुर्वेदी और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइन पर। बंगाल में हिंसा, 12 लोग मरे। ट्रेन की एसी चेयर कार का किराया 25% तक घटेगा। धर्मांतरण कराने के मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सितंबर तक संपत्ति कर जमा करने पर 5% की छूट। फ्लैटों के लिए कल से बुकिंग शुरू होगा। डीडीए आरएमएल कॉलेज की नई इमारत बनेगी। अब खबर विस्तार से। बंगाल में चुनावी हिंसा, 12 लोग मरे। पश्चिम बंगाल में शनिवार को पंचायत चुनाव के लिए मतदान के दौरान वो जमकर उपद्रव हुआ। हिंसक घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो गई। फायरिंग, बमबाजी, आगजनी में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में कुछ जगहों पर मते पोटियाँ फूंक दी गई, जबकि कुछ को पानी डाल दिया गया। कई इलाकों में मतदान केंद्रों को लूटने और मतपत्रों में आग लगा देने की भी घटनाएं सामने आई हैं। ट्रेन की एसी चेयर कार का किराया 25% तक घटेगा। सरकार ने सभी ट्रेनों की एसी चेयर कार और एक्सक्यूटिव श्रेणी में 25% तक किराया कम करने का फैसला किया है। युक्तिसंगत किराया नीति के तहत ट्रेनों में यात्रियों की क्षमता के अनुसार मूल किराया 5 से 25% तक कम किया जा सकेगा। धर्मांतरण कानून के मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। धर्मांतरण कराकर जिहादी बनाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का संचालन कौन कर रहा है, इसकी जानकारी के लिए पुलिस और एसटीएफ की टीमें जुड़ी हुई हैं। सितंबर तक संपत्ति कर जमा कराने पर 5% की छूट के लिए प्रावधान किया गया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के ने नागरिकों को 30 सितंबर तक संपत्ति कर जमा कराने पर 5% तक की छूट देने का ऐलान किया है। इस तारीख के बाद किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। आरएमएल कॉलेज की नई इमारत बनेगी। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों और मरीजों के लिए नई सुविधाएं जल्द मिलने जा रहा है।